अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगली के उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने राग थे वही जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को धन्य धन्य तीन ही से काज सब आज भय कर जोड़े बाय बाय वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। छत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और पांचवा लंब माने पांचवा चैप्टर यहाँ चल रहा था और चलती हुई इस चर्चा में काष्ठांगार ने जीवंदर कुमार को मृत्युदंड की सजा सुनाई और यक्ष के स्मरण मात्र से तुरंत यक्ष उपस्थित हो गया और सुरक्षित ले गया। कल हमारी चर्चा इसके उस महत्वपूर्ण बिंदु पर हुई थी कि ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष बनने वाली हर्ष और विषाद की परिस्थितियों में सहज रहते हैं। सहज रहना ज्ञानी का लक्षण है। सहज रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो, ये उपदेश ज्ञानी देते हैं और स्वयं सहज ही रहा करते हैं। जीवंदर कुमार दोनों ही प्रकार की परिस्थितियों में जहाँ मृत्यु दंड का आदेश दिया गया और जहाँ सुरक्षित पहुँच गए, इन दोनों ही परिस्थितियों में पूर्व जन्म में किए हुए अपने कर्म को अवश्य भोगना ही पड़ता है ऐसा विचार कर रहे हैं। इस विचार पूर्वक यह कथा यहाँ विराम लेती है और इसी कथा में कहीं कोई एक नई कथा और जुड़ने वाली है, कोई नया चैप्टर यहाँ से जुड़ेगा। नई कथा का मतलब बिल्कुल सेपरेट नई हो ऐसा नहीं है, लेकिन वही कथा थोड़ी सी आगे बढ़ रही है। उपकथा नंबर 10, जीवंदर कुमार का अभिषेक। जीवंदर कुमार का अभिषेक, ये क्या क्या हो रहा है, इनका अभिषेक। हाँ देखो कैसी स्थिति है। अथ चंद्रोदयावान पर्वतस्थम स्वमंदिरम
यक्षेन्द्र स्वामिनं नीत्वा कृतवान् भीषणम्। इसके अनंतर उस यक्षेन्द्र ने चंद्रोदय नाम के पर्वत पर स्थित अपने आवास स्थान पर जीवंधर कुमार को ले जाकर उनका अभिषेक किया। यक्ष देव सभी अवधि ज्ञानधारी होते हैं, बिल्कुल देव सब अवधि ज्ञानधारी होते हैं, और भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान होता है उनको, जो जन्म होते ही उन्हें अवधि ज्ञान हो जाता है। अवधि ज्ञान एक ऐसी सामर्थ्य है जिस सामर्थ्य से भूत और भविष्य की बातों को प्रत्यक्ष देख लेते हैं। प्रत्यक्ष वत नहीं कह रहा हूँ मैं, क्योंकि यह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान ही है, एक देश प्रत्यक्ष है, लेकिन भूत भविष्य की बातों को जानते समय एक मर्यादा है कि भाई इतने काल तक की बातों को जान सकेंगे। बहुत प्रकार के अवधि ज्ञान है और कई प्रकार से अवधि ज्ञान के भेद प्रभेद भी किए गए हैं, भाव प्रत्यय की अपेक्षा, गुण प्रत्यय की अपेक्षा, और फिर देशावधि परमावधि सर्वावधि की अपेक्षा, सर्वावधि परमावधि की अपेक्षा, इसी तरह से गुण प्रत्यय के छह, हीयमान वर्धमान अवस्थित अनवस्थित अनुगामी अननुगामी क्षयोपशम निमित्त षड विकल्प है शेषाणाम, इस तरह बहुत तरह की चर्चाएं हैं उसके बारे में, लेकिन कुल मिलाकर के दिव्य ज्ञान है। इस पंचम काल में नहीं होता है ऐसा उल्लेख तो कहीं पढ़ने में नहीं आया, लेकिन प्रत्येक हजार वर्ष के उपरांत जो एक कल्कि उत्पन्न होता है उसे अवधि ज्ञान प्रकट होता है ऐसा उल्लेख अवश्य आया है। उस कल्कि को नहीं, उसके समस्या का निराकरण करने वाले मुनिराज को। देखिए खैर, यक्षेन्द्र जहाँ रहता था चंद्रोदय नाम के पर्वत पर, वहाँ ले गया और वहाँ अपने आवास पर ले जाकर जीवंधर कुमार का अभिषेक किया। यक्षेन्द्र सुदर्शन, सुदर्शन यक्ष का नाम था, दुष्ट काष्ठांगार के बंधन से जीवंधर कुमार को छुड़ाकर अपने निवास स्थान चंद्रोदय नामक पर्वत पर ले गया और वहाँ उनका अभिषेक किया। देवता तो अपने जगह कैसे ले जा सकते हैं देवलोक में? देवलोक तो कहीं भी ले जा सकते हैं, और ये अपने लोक में नहीं है, मध्य लोक में ही, स्वर्ग में नहीं। अच्छा, ये यक्ष जो है ये स्वर्ग के नहीं है, ये व्यंतर है, पहले आया था ना, ये व्यंतर वासियों के जो निवास स्थान है वे मध्य लोक में बहुत है, भवन वासियों के तो अधोलोक में है 7,72,00,000, भवनों की संख्या ही इतनी है भवनवासियों के, 7,72,00,000 ही भवन है, एक एक भवन में असंख्यात असंख्यात रहते हों, क्योंकि वो भवन नाम दिया है, यद्यपि बहुत विशाल है, उसमें एक एक कृत्रिम चैत्यालय भी, इसलिए अधोलोक के 7,72,00,000 अकृत्रिम चैत्यालयों को हम अर्घ समर्पित करते हैं। इसी तरह से मध्य लोक में गिनती वाले जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं वे 458 हैं, और ऊर्ध्व लोक में 84,97,023 ये ऊर्ध्व लोक के चैत्यालय, ऊर्ध्व लोक में 84,97,023 वो स्वर्ग वालों के हैं, वो वैमानिक देवों के हैं। अब देखो भवनवासियों के हो गए अधोलोक में, वैमानिकों के हो गए 84,97,023, अब बचे व्यंतर और ज्योतिष, ये दोनों कहाँ रहते हैं? ये मध्य लोक में रहते हैं। व्यंतरवासियों का एक स्थान खर और पंख भाग भी है, नीचे रत्न प्रभा पृथ्वी जो है उसके दो हिस्सों में खर और पंख भाग में भी रहते हैं, वहाँ भवनवासी भी रहते हैं, व्यंतर भी रहते हैं, लेकिन व्यंतरों के स्थान यहाँ मध्य लोक में पर्वतों के ऊपर, वृक्षों के ऊपर, नदी नालों के किनारों पर, शमशान में, ऐसे ऐसे मध्य लोक में असंख्यात हैं उनके स्थान रहने के, चौराहे पर भी आकर के रहने लगे कभी कहीं, क्या चौराहे चौराहे पर ये इस तरह के खेल दिखाने लगे, कोई ये जो चमत्कार आदि की परिस्थितियाँ दिखाई देती है ये व्यंतरवासियों का ही काम है, तो इससे ऐसा लगने लगे हो यार व्यंतरों की शक्ति तो, अरे शक्ति कुछ नहीं, तुम आत्म आराधना करो, तुम्हारे चरणों में आके पढ़ते, ये देवगति के जीव हैं, देवगति के, और देवगति के होते हुए भी मनुष्य गति के जीव की भक्ति पूजन आराधना करते हैं।
अब ये सब इनके निवास स्थान बने हुए हैं कई वृक्षों पर, ऐसे अकृत्रिम बने हुए हैं असंख्यात द्वीप समुद्रों में, ऐसे वृक्षों पर बड़ पीपल आदि के ऊपर तो ये घूमने फिरने के लिए आ जाते हैं कभी कभी, थोड़े समय के लिए कौतूहल करने के लिए, 10-25 वर्ष तक रह लिए वहाँ किसी पेड़ के ऊपर और कौतूहल करने लगे, फिर चले गए। 25 साल इनके लिए लंबी जिंदगी में 25 साल क्या लगता है? कुछ भी नहीं। हमारे को 2-4 दिन अपने को क्या लगते हैं? कुछ भी नहीं। वर्षों की जिंदगी है अपनी, तो उनमें 2-4 दिन कब पूरे हो जाते हैं मालूम नहीं चलता। उनकी पल्लियों की आयु है, उस पल्लियों की आयु में, सागरों की नहीं है, व्यंतरों की बात कर रहे हैं अपन, उस पल्लियों की आयु में वर्ष कुछ नहीं होते। कैलकुलेशन पूरी अपने यहाँ के हिसाब से ही होगी, दिन तो 24 घंटे का ही होगा, वर्ष 365 दिन का ही होगा, लेकिन वो कब बीत जाता है पता ही नहीं लगता इतनी लंबी आयु में। खैर ये अपने स्थान पर ले गए, माने वो मध्य लोक में ही था, ऊर्ध्व लोक में ले जाने की व्यवस्था मनुष्य गति के जीव को, ऐसी व्यवस्था यहाँ नहीं है। न ऊर्ध्व लोक में ले जाया जा सकता है, न किसी मनुष्य को अधोलोक में ले जाया जा सकता है, लेकिन मध्य लोक में जहाँ जहाँ स्थान है कहीं भी, और मनुष्य लोक में भी मानुषोत्तर पर्वत के बाहर नहीं, अंदर अंदर, माने ढाई द्वीप, ढाई द्वीप, वो ढाई द्वीप मनुष्यों की मर्यादा है, उस मनुष्य लोक की मर्यादा के भीतर भीतर जहाँ उनके जो स्थान है, कहीं भी ले जाए कोई देव साथ में ले जा सकता है, और सुरक्षा की दृष्टि से ले गया था ना, पेज नंबर 254 पर नीचे। तो काष्ठांगार को सजा भी दे सकता था, दे सकता था, अभी देखो क्या क्या होगी घटनाएं आगे, दिया नहीं उसने, अपना तो भाई अपने स्वामी की सुरक्षा चाहिए, हाँ कृतज्ञता दिखाना है, यहाँ तो कृतज्ञ है कृतज्ञ नहीं है, ये सिखा रहे हैं यहाँ अपने ऊपर किए गए के उपकारों को ना भूले, ये बात सिखा रहे हैं। यक्षेंद्र सुदर्शन दुष्ट काष्ठांगार के बंधन से जीवंधर कुमार को छुड़ाकर अपने निवास स्थान चंद्रोदय नामक पर्वत पर ले गया और वहाँ उनका अभिषेक किया। विपत्ति भी संपत्ति बन जाती है, लो आई तो थी विपत्ति, अब बन गई संपत्ति। इस विपत्ति के काल में भी कितना बड़ा संकट आ गया था, मौत दिख रही है और देखो ये विपत्ति कैसी संपत्ति बन गई। ये विपत्ति संपत्ति बन जाती है, इस परिस्थिति को यदि आपको गहराई से देखना हो तो जैन कथा संग्रह में धन्य कुमार की कथा पढ़ना, माने आप वो कथा पढ़ो, आपको इतना मजा आएगा आप कल्पना नहीं कर सकते हो। मेरी तो प्लानिंग ऐसी भी रहती है, कई बार योजनाएं बनती रहती है दिमाग में, अपन संडे ही संडे कोई ऐसी ऐसा सब्जेक्ट चलाएं जो उसी समय पूरा हो जाए, शॉर्ट में सुना दीजिए, बाहर चलाओ चाहे अंदर चलाओ, बहुत विपत्तियां आती रही उसके ऊपर, एक के बाद एक संकट आते गए, और जैसे ही कोई संकट आए, संकट क्या आए, दूसरों ने संकट में डालने का प्रयास किया, भाइयों ने, सगे भाई अपने, ये सबसे छोटा था धन्य कुमार, और कितने कितने संकट में डालने का प्रयास किया, ऊपर से धक्का दे दिया इसको, समुद्र में धक्का दे दिया, इसको घर से निकाल दिया, कैसी कैसी परिस्थितियां इसके साथ में बनी, लेकिन जहां इसको परेशानी में डाला वहां ये ऐसे संपत्ति लेकर के उठा। मैंने ऐसा तीव्र पुण्य, जहां जहां इसको परेशानी में डाला वहां ये निखर करके सामने आया, ये खीर खिला दी थी, खाट लेकर के आए हैं, वो टूटी खाट दे दी इसको, वो तो एकृत पुत्र भी थी, एकृत पुत्र नाम, माने इसको ऐसा ऐसी टूटी खाट दे दी सबको सावत, और इसका एक ऐसी खाट जिसका पाया भी एक हिल रहा था, अब क्या सोएगा उसके ऊपर, अब वो खाट जो टूटी थी जिसका पाया हिलता था ये उसके ऊपर सोया और पाया टूट गया, और पाया टूट गया तो उसमें से रत्न निकल गए। माने जहाँ जहाँ इसको विपत्ति में डालने के प्रयास हुए वो सब संपत्ति बनकर के, ऐसा होता है साहब, जिनके तीव्र पुण्य का उदय होता है उनके ऊपर सामने वाले का कुछ असर नहीं होता। माने इन्होंने कौरवों ने पांडवों को मारने के कितने प्रयास किए, मतलब तो निखरते चले गए, और फिर क्या हुआ, उनको मारने के प्रयास कर रहे थे और पूरा का पूरा इनका कुल खत्म हो गया कौरवों का,
वो पांच के पांच पांडव जो के थे बने रहे ऐसे, तो खजाना निकल के आ गया। हाँ? खेती में से। देखिए विपत्ति भी संपत्ति बन जाती है। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, यद्यपि अपने को घटना तो पता ही है कि भाई यक्ष ले गया था विपत्ति के काल में बचाकर, और यक्ष ले गया और वहां जाकर के उसका अभिषेक हो रहा है, इसको मतलब वो कोई बहुत पुण्य के योग से ऐसा काम हो गया। विपच्च संपदे पुण्यात् किमन्यत्र गण्यते भानुर्लोकं तपन कुर्याद् विकासश्रिय मम्बुजे। पुण्योदय से नीतिकार क्या कह रहे हैं, पुण्योदय से मतलब ये जो वाक्य है विपत्ति भी संपत्ति बन जाती है, यह वाक्य शास्त्र का नहीं है, ये वाक्य कथा का नहीं है, यह वाक्य तो उस कथा से निकाला गया एक रहस्य है। इस कथा से जो नीतिकारों ने कह दिया है कि सुनो ऐसा मत समझना कि किसी व्यक्ति को संकट में आता हुआ देख करके कि संकट ही आ गया, यदि उसके तीव्र पुण्य का योग होगा तो वो संकट का काल भी उसके लिए बहुत बड़ी संपत्ति बन जाएगा उस संकट के काल में भी। नीतिकार क्या करें, पुण्योदय से विपत्ति भी संपत्ति का कारण हो जाती है। विपत्ति और संपत्ति विरोध है दोनों में, विपत्ति और संपत्ति का कोई मेल नहीं है, लेकिन भाई यह विपत्ति संपत्ति बन जाती है। कब बन जाती है, पुण्योदय से। क्यों बनारसी दास को तो ज्ञानी बना दिया विपत्ति ने, संपत्ति बन गई, वही संपत्ति है। देखिए आप कैसी कैसी परिस्थितियां बन जाती है, विपत्ति आ गई तो उस विपत्ति के काल में पुण्य का उदय आया तो जो मारने आए थे वो ही मर गए, ऐसे संपत्ति बन जाती है। कभी कभी पाप कर्म का उदय तीव्र होता है तो रत्न रखे थे तिजोरी में और साल दो साल में खोले तो कोयले निकले, ये क्या हो गया, ये इसे कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, हो जाता है भाई साहब। आपके पाप कर्म के उदय में क्या क्या अनर्थ नहीं हो सकते हैं और पुण्य के उदय में क्या क्या चमत्कार नहीं हो सकते हैं। जगत में दिखने वाले सारे चमत्कार पुण्य के योग से होते हैं और जगत में दिखने वाले सारी प्रतिकूल परिस्थितियों के पीछे कोई दूसरा कारण नहीं होता, अपने ही पाप कर्म का उदय कारण होता है। जगत में कोई कारण नहीं, बोलो हम किस किस को कारण बतलाएं, हम किसके ऊपर उंगली उठाएं। ये हमेशा से इस जीव की ऐसी वृत्ति रही है कि अपने संकट के काल में दूसरों के ऊपर उंगली उठाता है, निरंतर दूसरों के ऊपर उंगली उठाता रहता है, इसके साथ ऐसा, इसके साथ ऐसा, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसकी वजह से ऐसा। अरे भाई दुनिया में कोई कुछ नहीं करता है, तेरे कर्म सिवाय जीव को कोई तुझे सुख दुख नहीं देता, तेरे स्वयं के कर्म का ही उदय है, और ये विचार बहुत शांति प्रदान करता है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, पुण्य का उदय हो, पुण्योदय से विपत्ति भी संपत्ति का कारण हो जाती है। वहां पर और की तो गणना ही क्या, अब औरों की क्या गणना करें, जब आई हुई विपत्ति ही संपत्ति बन गई, औरों की क्या बात करें, छोटी मोटी बातें। निश्चय से संसार को तप्तायमान करता हुआ सूर्य कमल दलों में विकास रूपी लक्ष्मी को कर देता है। वाह क्या कह रहे हैं, तप्तायमान संसार को तप्तायमान करता हुआ, तो उज्ज्वलता देता हुआ, वो किरणें प्रदान करता हुआ सूर्य कमल के दलों में विकास कर देता है, कमलों का विकास हो जाता है। सारा जगत जिस सूर्य की किरणों से जलता हो, जगत ये कहे धूप तेज है, फिर सूर्योदय हो गया, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, बहुत तीव्र गर्मी का समय चल रहा है, लेकिन ऐसी तीव्र गर्मी के काल में सारे जगत जनों को तप्तायमान कर देने वाला वो सूर्य जब कमल के ऊपर पड़ता है तो उन्हीं किरणों को पाकर वो कमल खिल जाता है। ये कैसा काम हो गया, जगत के लिए विपत्ति और उसके लिए संपत्ति, कमल के लिए उसके विकास का कारण, विकास रूपी लक्ष्मी को कर देता है। देखिए जैसे समस्त संसार को संतप्त करने वाला सूर्य भी कमलों की कलियों को विकसित करता है क्या, वैसे ही पूर्वबद्ध पुण्य कर्म का उदय हो, पहले के बांधे हुए कर्म का उदय हो तो विपत्ति भी संपत्ति बन जाती है।
फिर अन्य अनुकूल बातों का क्या कहना। बाकी अनुकूल बातें तो सब अनुकूल होंगी ही, लेकिन यदि पुण्य का उदय हो तो संकट के काल में भी अनुकूलताएं सामने आ जाएगी। अर्थात पुण्योदय से सर्वत्र और सब प्रकार का सुख ही सुख प्राप्त होता है, प्रतिकूलताएं नाम मात्र को भी नहीं रहती। उदय पुण्य का चाहिए, ऐसा भी पुण्य का उदय कहाँ से आता है? यदि पुण्य के उदय से अनुकूलता मिलती है तो ये पुण्य का उदय आता कहाँ से, ये तो बताओ कहाँ से आएगा भाई साहब? पैसे, पैसे से सारी चीजें मिलती है। हमारे आर्यजन कई बार पूछते हैं, पापा ये पैसा आता कहाँ से? सब सब मिलती है सारी चीजें, तो ले आना और ले आना, बैंक में मिलते हैं ना पैसे, सब वहां से ले आना। ये आता कहाँ से? अब ये यहाँ कह रहे हैं कि भाई पैसे से नहीं पुण्य से होता है काम, तो हम पूछ रहे हैं पुण्य कहाँ से आता है? अपने पुरुषार्थ से बोलो। अच्छा पुण्य कैसे पुरुषार्थ से आता है, हम क्या करें? आप पुण्य को तो पहचानते नहीं है, क्या करें? अपनी योग्यता से आएगा, लेकिन उसके पीछे हमारे परिणाम कारण होंगे, हमारे भाव, वही भाव कर्म, भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से नौ कर्म। सर्कल है वो, नौ कर्म में करता है फिर राग द्वेष तो फिर द्रव्य कर्म, माने जितने ये सारे संयोग हैं ये सब नौ कर्म कहलाते हैं। इन संयोगों को कहते हैं नौ कर्म। ये नौ कर्म मिलते किससे हैं? बोले द्रव्य कर्म से, कर्म से मिलते हैं ना, पुण्य कर्म से मिलते हैं नौ कर्म। तो आपको गाड़ी चाहिए मान लो अच्छी, तो क्या खर्च करना पड़ेगा? बोले पैसा। अरे पैसा तो छोड़, पैसे से कुछ नहीं होता है, हमने आज तक पैसे से गाड़ी नहीं खरीदी। तो पैसे से आती है गाड़ी, ये किसने कहा? ये सब तो मुफ्त में आती है, ये धोखे में मत रहना, मुफ्त में दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। क्या कुछ तो खर्च करना पड़ता है, ये क्या खर्च कर होता है? ये पुण्य खर्च होता है। तो पैसे से आती है कि पुण्य से आती है? पुण्य से आती है, मतलब पैसे से नहीं आती, पैसे से नहीं आती। ये पैसा क्या करेगा, पुण्य का बैलेंस हो चाहिए अंदर में। अरे पैसा बहुत पड़ा हो आपके पास में और महीनों से सोच रहे हो गाड़ी खरीदने की, पुण्य का बैलेंस नहीं हो तो पैसा आपको गाड़ी नहीं दिला सकता, तक संबंधी पुण्य का उदय नहीं हो तो। और सुनो, वो पुण्य का बैलेंस थोड़ा सा अच्छा नहीं हो, हीन जाति का पुण्य हो आपका, अच्छा नहीं हो, तो वो गाड़ी खरीदने के लिए जाए, पैसा भी बहुत खर्च करे और ऐसी गाड़ी आ जाए कि रोज परेशान करे, अब क्या करो आप? अब ये कह रहा है मैंने तो इतना पैसा दिया, अब रोज गालियां निकाले बेचने वालों को, एजेंट को, सबको रोज उल्टा सीधा कहे कि ये क्या है, रोज जाकर के उसको सर्विस सेंटर पे डाले। अब ये क्या करो, बतलाओ, तुम तो पैसा दे दो, मैं कितना भी पैसा देने को तैयार हूँ। अभी 3 दिन पहले की घटना बता, 3 दिन क्यों, महीने भर से परेशान था मैं गाड़ी को लेकर। परेशान तो क्या था, वो कहीं से आवाज कर रही थी गाड़ी, और वो सर्विस पर जाकर के आई थी और आवाज कर रही थी, वापस ले गया, पूरी चेक कर ली, बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो जैसे ही कोई धचका लगे और आवाज आए उसमें, जैसे कोई स्पीड ब्रेकर आए, और पता नहीं क्या ऐसा लगता था जैसे शॉकर्स खराब हो गए उसके। तो फिर दिखाया, सब चेक कर लिए, कुछ नहीं। अब जिनको दिखाया उन्होंने कहा कि भाई 2 बार देख लिए, यहाँ पूरी चेक कर ली, इसको तो सर्विस सेंटर पर दिखाओ। सर्विस सेंटर पर ले गए, वहाँ जो कंपनी का है, कंपनी में ले गए, तो उसने पूरा चेक कर लिया, गाड़ी में तो कोई खराबी नहीं है, खराबी नहीं है, मेरे साथ में चलो आप। तो गाड़ी में बिठाया और 5 किलोमीटर का चक्कर लगाया, और फिर आवाज़ तो आ रही है। फिर उसने उठा करके रख देखी, महीना भर हो गया इस मैटर को, और उसने खोला तो उसके अंदर बोनेट खोलते ही अंदर कोई एक औजार रखा हुआ था, वो बचता था। कल की घटना कह रहा हूँ मैं, तो मैं निकाल करके दिया कि ये कहीं और दिखाई थी, उसका ये औजार रह गया इसके अंदर, ये आपका जहाँ झटका लगता है तो ये आवाज करती है, बचती है। तो क्या करो बोलो आप, कोई कुछ खराबी नहीं है, लेकिन तुम्हारे को भुगतना है महीने भर तक उसकी आवाज को।
ऐसे ऐसे ही होता है, पता नहीं क्या किस समय क्या होना हो आप सोच नहीं सकते हैं। ये उदयजन्य परिस्थितियों की बात यहाँ चल रही है। ये क्या कह रहे हैं, सारा जगत जिन परिस्थितियों से संतप्त होता हो, सारा जगत संतप्त हो रहा है जिस परिस्थिति से, लेकिन जिसके पुण्य का उदय ऐसा कमल उसी परिस्थिति में उदय को प्राप्त दिखाई दे रहा है। इसलिए पुण्य के उदय में सर्व प्रकार की अनुकूलताएं मिलती है। भाई साहब, जब सभी प्रकार की अनुकूलताएं पुण्य के उदय में मिलती हों, सभी प्रकार के सुख मिलते हों, तो फिर प्रतिकूलताओं का तो नाम मात्र भी नहीं रहेंगी, वो तो कुछ है ही नहीं। देखिए विशेषार्थ में आगे बढ़ते हैं अपन। विशेषार्थ, जीवंदर कुमार पर साक्षात प्राणघात का महाभयंकर संकट ये आया था, साक्षात ही संकट आ गया था। अब इससे इससे ज्यादा और क्या बात होगी। बंदी बना रखा है, सामने खड़ा हुआ है राजा, है दरबार लगा हुआ है, चारों तरफ से सेना ने घेर रखा है, और राजा जैसा व्यक्ति मृत्यु दंड का आदेश दिया है। अब क्या संभावना लग रही है बचने की। ये महासंकट आ गया था, परंतु पुण्योदय से उस संकट का निवारण होकर उनका मान सम्मान हो रहा है। उधर तो संकट है और ये संकट से बच करके मान सम्मान हो रहा है। उनको सुख दाता अनेक मित्रों की प्राप्ति होगी, मंत्रों की प्राप्ति होगी, और तीर्थ यात्रा का भी सुयोग मिलेगा। यह सब पुण्योदय का ही प्रताप है। क्या मिलेगा बोलो, कि जेल मिल रही थी, अरे जेल मिल रही थी नहीं, कि मौत मिल रही थी, अरे मौत और जेल तो छोड़ो, अभी क्या मिले हैं, ये विविध प्रकार के मंत्र, प्रतिष्ठा, मान सम्मान और तीर्थ यात्रा का सुयोग, ये सब उसको वहां प्राप्त होगा। यक्षेंद्र सुदर्शन की कृतज्ञता, आगे देखें क्या कहते हैं। संकट के आगे खुद नहीं समर्पण किया, पिता के कहने से हाथ बंधवा दिए। हाँ, बिल्कुल, विपत्ति में खुद डल रहा है, विपत्ति में खुद डल रहा है। उसमें भी देखो ये तो क्या है, एक्चुअल में यहाँ वादीप सिंह सूरी आचार्य देव को इस पूरे छोटे से घटना चक्र के माध्यम से जगत जनों को बहुत सारी शिक्षाएं देनी, जगत सुधार का काम कर रहे हैं, ये घर परिवार के सुधार की बात कर रहे हैं, ये शिक्षा दे रहे हैं आपको कि भले ही संकट में डाला जा रहा हो, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। ऐसा मार रहे हैं मेरे को, कोई बात नहीं, पिताजी है ना, वो अहित नहीं सोचेंगे, कोई बात ही नहीं है। क्या शिक्षा दे रहे हैं सोचो आप, अब संकट में डाल दिया उसको, कि कोई बात नहीं, पिताजी ने डाला था ना, और फिर डाला तो कोई बात नहीं, फिर उदय अपना भी तो काम करेगा कुछ तो। मौत दिख रही थी, पुण्य का उदय ऐसा आया, बच करके निकल गए। देखिए खैर यक्ष, लेकिन पिताजी ने इतना नहीं सोचा होगा कि वो मृत्यु दंड दे देगा। देखो उसमें भी कितनी सुंदर बात वहां से निकाली कि आपको राजाज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। राजा की जो आज्ञा है, या समझ लीजिए गवर्नमेंट का जो आदेश है, उस आदेश की आपको पालना करनी है। ये संदेश दिया वहां। माने सेठ गंधो सट ने जो जीवंदर कुमार को हाथ बांधकर पुलिस के हवाले किया, तो कहा कि भाई पहला काम तो ये है कि जो वहां से ऑर्डर आया है उस ऑर्डर का पालन करो, फिर अपन अपनी दलील देंगे कि भाई हमारी क्या गलती है। फिर वहां जाकर के राजा के पास में जाकर, इन सिपाहियों को मारने से क्या होगा बेचारे, ये सिपाही तो राजा के आदेश से आए हैं ना, ये तो राजा के गुलाम है, इनका क्या कसूर है, इनको क्यों मारना। तो पिता ने तो ये कहा कि जो भी होगा आप तो साथ में चलो, राजा ने बुलाया है, वहां जाकर के जो भी होगा सो देखेंगे। ऐसा थोड़ी ना सोचा था कि वहां जाएंगे तो मारने की कह देगा, सफाई का मौका ही नहीं देगा। न्याय तो होता ही है ना आखिर राज दरबार में जाकर के, ये न्याय का मौका ही नहीं मिले ऐसा तो सोचा ही नहीं था। इसका मतलब ये पिता कोई अहित नहीं चाहते थे उसका, पिता के द्वारा की गई उस प्रवृत्ति में भी वो लोगों को ये शिक्षा देना है कि यदि समझ लीजिए गवर्नमेंट ने आदेश दिया है कि इतने समय तक आप अपने 1500 के नोट जमा करा दो तो करा देना। यदि इस तरह का आदेश दिया गया है कि इस जगह से इतने बजे रोड जो है ये एक तरफा यातायात हो जाता है इधर, तो फिर आप उधर से सामने की साइड से नहीं आना, ये आदेश है ना, राजाज्ञा का पालन करना पड़ेगा आपको। ये किसी भी संबंध में जहां जहां जो जो नियम गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं कि ये कर्फ्यू लगाया है
और इस कर्फ्यू में कोई घर से ना निकले तो नहीं निकलना, वो राजा आज्ञा है। ये सिखा रहे हर चीज में पालन करने की बात कह रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, विपत्ति संपत्ति की बात हो गई, ये सुदर्शन की कृतज्ञता बतला रहे हैं 26 नंबर के श्लोक में। पयो वार्धी पय पूरे रविशिष्याम ब्रवीत पवित्रोति पवित्रम माम श्वानम यत्कृत वानिति। इस यक्षेंद्र ने क्षीर सागर के जल की धारा से जीवंदर कुमार का अभिषेक किया। क्षीर सागर जानते हैं? क्षीर सागर कहाँ है मालूम है आपको? पांचवा समुद्र है ये मध्य लोक में। बाल तीर्थंकर के जन्माभिषेक के समय क्षीर सागर का जल लाकर के जन्माभिषेक किया जाता है, सुमेरु पर्वत के पांडुक वन की पांडुक शिला पे बिठाकर। पांडुक शिला पे ले जाते हैं ना जन्म कल्याणक के समय, पांडुक शिला पर ले जा रहे हैं तो वहां पानी कहाँ से लाते हैं? वो देवलोग क्षीर समुद्र से लेकर के आते हैं। क्षीर सागर का जल वो पांचवा समुद्र है, वो जल बहुत पवित्र है, चंद्रमा की किरणों के समान पवित्र है। वो उसके लिए भक्तामर में पंक्तियां दी, पीतवा पय है शशि कर है द्युति दुग्ध सिंधम सिंधु, क्या है? पीतवा पय है शशि कर है द्युति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधे रसि तुम कैचेत। इतने सुंदर शब्द दिए हैं वहां कि कोई व्यक्ति को वहां के क्षीर समुद्र का जल पिया, उसने चंद्रमा की किरणों के समान निर्मल, दूध के समान मिठास वाला इतना पवित्र जल पीने के बाद फिर कोई व्यक्ति खारे समुद्र के जल को पीने की इच्छा क्यों करेगा? नहीं करेगा, नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। एक बार जिसे सच्चे देव का सानिध्य मिल गया, अब वो दूसरी जगह क्यों दिमाग लगाएगा? जिसके सारे काम किसी एक व्यक्ति से होते हैं, जब मेरे सारे के सारे काम अरहंत परमात्मा से सत्य हैं, तो मैं दूसरे के पास में क्यों, मेरा काम तो हो जाता है ना, क्या बोलो, चलता है अपना काम, अब हमारे को क्या जरूरत है? जब मेरी सारी शंकाओं का समाधान करने के लिए मुझे एक गुरु मिल गए हैं, तो फिर मैं दूसरों के पास में क्यों जाऊं? अब जरूरत ही महसूस नहीं होती। मैं जिस जगह पर जॉब करता हूं, जहां नौकरी करता हूं, जहां काम करता हूं, वहां से मैं संतुष्ट हूं, मेरे को पर्याप्त मात्रा में धन मिलता है, पैसा मिलता है, अब मैं दूसरा जॉब क्यों तलाशूं? कितनी सीधी सी प्रैक्टिकल बातें हैं। देखिए, खैर, ऐसा क्षीर सागर का जल उसकी धारा से जीवंदर कुमार का हुआ अभिषेक। इस प्रकार कहा कि आपने मुझ कुत्ते के जीव को पवित्र किया, इसलिए आप पवित्र हो। कुत्ते का जीव जिसको कोई कुछ नहीं समझे जगत में, ऐसा वो तुच्छ प्राणी जगत में जैसे हीन समझा जाता हो, जिसको पत्थर मारे हो, जिसको डंडों से मारा गया हो, जिसको पीटा गया हो, सड़क चलता है ऐसा कुत्ता, पालतू नहीं, किसी के घर का नहीं है, और रोड पर चलने वाला गंदा सुगला किसी कुत्ते को कोई पीट रहे हो, रदमरा हो गया हो, मरा पड़ा हो रोड पर, ऐसे मुझ जैसे अपवित्र कुत्ते के जीव को आपने पवित्र कर दिया अपनी वाणी सुनाकर, आपने मेरा उद्धार किया, आपने मेरा कल्याण किया, इसलिए जैसे आपने किया वैसे ही मैं भी आपको पवित्र करने की भावना से यहाँ लाया हूँ, पवित्र जल से आपका यहाँ अभिषेक किया जा रहा है। कैसे भावनाएं होती है, देखिए आगे। अब तीन मंत्र देंगे इनको, आगे देखिए। यक्षेंद्र सुदर्शन ने क्षीर सागर के जल से जीवंदर कुमार का अभिषेक करके उनसे कहा कि हे मान्यवर जीवंदर कुमार, आपने मुझे पूर्व कुत्ते के जीव को, आपने मुझे पवित्र यक्षेंद्र देव बनाया है, अतः आप मेरे लिए सदैव वंदनीय है। ना ही कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति, सज्जन पुरुष अपने ऊपर किए गए के उपकार को कभी नहीं भूलते। आपने मेरे ऊपर उपकार किया था, मैं इसे भूल नहीं सकता, मैं कैसे भूल सकता हूँ? आपने मेरी रक्षा की थी, आपने मुझे इस पवित्र स्थान पर पहुंचाया, इसलिए मैं भी
वहां जो काष्ठांगार का दलदल था वहां से निकालकर आपको यहाँ चंद्रोदय पर्वत के ऊपर सुरक्षित ले आया हूँ, और पवित्र जल से उनका स्नान किया।